बैक टू माई चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज हम बात करेंगे बैचिंग प्लांट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं तो हमको किस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं। और यदि आप रेफरेंस का इस्तेमाल है जहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है, कई जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपका डायरेक्ट आपको प्लांट पर कर दिया जाता, आप लोडिंग कीजिए, उसके बाद वहाँ पर ट्राई लेके आपका एक दिन में सिलेक्शन हो जाता है। और जब क्वेश्चन की बात आती है, इंटरव्यू की बात आती है जहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आप सब किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आरएमसी प्लांट क्या है। तो आरएमसी प्लांट या बैचिंग प्लांट दोनों एक ही है। तो हम बैचिंग प्लांट के बारे में जानते हैं और आरएमसी प्लांट दोनों सेम है, लेकिन जिसका बैचिंग प्लांट हम कहते हैं उसको सही से आरएमसी प्लांट कहते हैं, यानी रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट। रेडी मिक्स कंक्रीट क्यों प्लांट क्यों कहते हैं, इसलिए कि यहाँ पे सब कुछ तैयार होता है। इसमें कई सारे मटेरियल मिला के जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो एक तरह का रेडीमेड होता है। और जैसे कि रेडीमेड कपड़े मिलते हैं और एक कपड़े सिलाने पड़ते हैं, और रेडीमेड कोई चीज़ बना बनाया मिल जाता है उसको रेडीमेड कहते हैं, जो बनाना पड़ता है उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये रेडीमेड कंक्रीट हो जाता है। और यहाँ पर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन भी ये भी आ सकता है कि आपने बैचिंग प्लांट इरेक्शन कराया है, तो कराया है नहीं कराया है, तो आप अपने आधार पे कराए हैं तो भी आंसर दे सकते हैं, नहीं कराए हैं तो भी, और कराए हैं तो किस टाइप के कराए हैं। और जो ड्राइंग से जो उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, नीचे जो बेस होता है, फाउंडेशन बनते हैं, वो ड्राइंग से आपको कराना है तो आप ड्राइंग से एक प्लांट कर लिए हैं तो दूसरा प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइंग से आप कर सकते हैं। और उसके बाद बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो बैचिंग प्लांट में कैलिब्रेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कैलिब्रेशन ये जरूरी नहीं कि प्लांट चलाने के लिए कैलिब्रेशन आना चाहिए। ये कैलिब्रेशन जो है प्लांट में, तो कैलिब्रेशन दो प्रकार का होता है। एक कंफर्मेशन के लिए होता है कैलिब्रेशन, जैसे हमारा सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं, हमने बाट रखा, उतारा, चढ़ाया, सब कुछ प्रॉपर आ गया, तो इसको कैलिब्रेशन चेक करने का तरीका कह सकते हैं, लेकिन कैलिब्रेशन नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए आपका 100 kg पे 80 kg ही आ गया, तो आप 100 kg वहाँ पे कैलिब्रेशन गलत है। अब उसको सही करने का जो प्रोसेस है उसको कैलिब्रेशन के अंतर्गत लिया जाता है। बाट रख के प्लांट के लोड सेल को कैलिब्रेट कर देना, यानी उसे कर देना कि ये प्रॉपर एक्चुअल वेट है, तो ये कैलिब्रेशन की हो गया। और कैलिब्रेशन ऑपरेटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, यदि आप ज़्यादा जानते हैं तो बेटर है। और बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन है बैचिंग प्लांट स्टार्ट बिफोर भी कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे आप सुबह सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी पे आए, आपको प्लांट चलाने के लिए कह दिया गया, तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्लांट चला देंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेक करने पड़ेंगे। तो मिक्सर चेक करने पड़ेंगे, स्किप वायर रोप चेक करने पड़ेंगे, कंप्रेसर चेक करने पड़ेंगे, पेन्यूमेटिक बॉक्स चेक करना पड़ेगा, ऑयल लेवल, वाटर ड्रेन, ये सब जो भी प्रोसेस है। तो इसका एक वीडियो हमारा बना हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा, तो उसमें आपको स्टार्ट बिफोर का कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा। और उसके बाद बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो बैचिंग प्लांट में मिक्सर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बैचिंग प्लांट के मिक्सर जो हैं वो तीन टाइप के देखने को मिलेंगे। एक होता है ट्विंग सॉफ्ट मिक्सर, जो अभी जो ज़्यादा चल रहा है आरएमसी बड़े प्लांटों में ट्विंग सॉफ्ट चल रहा है। और उसके बाद एक होता है पैन मिक्सर, जो पैन मिक्सर होता है वो पूरा नीचे समतल होता है, और ट्विंग सॉफ्ट में दो सॉफ्ट होते हैं। तो पैन मिक्सर में बीच में मोटर राउंड से घूमता है, और जो पैन मिक्सर होता है उसमें डबल सॉफ्ट से घूमता है, और एक ड्रम मिक्सर होता है उसमें कोई सॉफ्ट नहीं होता, वो ड्रम ही घूमता है, जैसे मिलर मान लीजिए, मिलर जो है वो पूरा ड्रम जैसा होता है घूमता है, तो इस टाइप के एक मिक्सर होता है। तो ये हाफ MQ और 1 MQ तक के देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल में ड्रम मिक्सर का अभी कम हो गया है, जहाँ पे गाँव में छत बनाने में वहाँ पर इस्तेमाल होता है। और उसके बाद हम बात करें छठे क्वेश्चन की, तो मिक्सर एयर बॉक्स में ऑयल लेवल कब चेक करना चाहिए। तो यानी आपसे पूछा जाएगा कि आप गियर बॉक्स का ऑयल कब कब चेक करते हैं, तो ये जो है डेली मेंटेनेंस में नहीं है। आपका कहीं पे गियर बॉक्स से ऑयल लीक नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है, तो आप इसको वीकली में शामिल कर सकते हैं, वीकली मेंटेनेंस। जो मिक्सर जो ऑयल चेक करना है वीकली चेक करना है, और ऑयल लेवल में होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं वीकली के लिए। और ये भी आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि सर्विस में कौन सा ऑयल डाला जाता है, आप किस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसके बारे में स्टडी करके जाइएगा। और यदि ट्विंग सॉफ्ट है तो जैसे VG220 डलता है,
तो सिंथेटिक ऑयल डलता है। तो आपके यहाँ जो प्लांट में CP30 पे जा रहे हैं तो उसमें 20W40 डलता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के कई गियर बॉक्स है, स्किप का है तो वहाँ पे गियर ऑयल डलता है 90 नंबर। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसमें परिवर्तन होते जा रहा है। और बात हम करें सातवें क्वेश्चन की, तो मिक्सर मेंटेनेंस, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी आता है मिक्सर के बारे में। मिक्सर के बारे में क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। शॉवल कितने प्रकार के होते हैं, टाइल्स कितने प्रकार की होती है, और इसमें सबसे क्वेश्चन तब आदमी फंस जाता है जब आपसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए आपने कह दिया CP30 मैंने 5 साल चलाया है, 2 साल चलाया है, तो आपसे कोई पूछ ले CP30 शॉवल की लाइफ क्या है, तो आप यदि आपने चलाया है तो आप उस चीज़ का आंसर देंगे, नहीं चलाया तो आप इस चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस किया कीजिए। यदि कोई चीज़ लगाते हैं तो आप उसको नोटिस कीजिए तो आप उसको लाइफ पता चलेगी। वायर रोप की लाइफ जो स्विंग की तरफ से वो भी दिया जाता है, और आप उसको यूज करते हैं वो कितनी लाइफ तक चलती है, उसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है, कटता है नहीं कटता है, ये सब एक आपके एक्सपीरियंस में शामिल होता है। और लेंथ जरूर पूछा जाएगा, आपके स्किप वायर रोप की लेंथ पूछी जा सकती है, क्योंकि मैकेनिकल ज़्यादा पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल के बारे में भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों पूछा जाता है, लेकिन मैकेनिकल पे फोर्स ज़्यादा होता है इंटरव्यू में आपका, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस के बारे में, सेफ्टी डिवाइस आपका कहाँ पे लगा है, वर्किंग में नहीं है, आपको प्लांट चलाना है तो चेक करना है, उसके बाद ही पैनल ऑन करना है। आप डायरेक्टली पैनल किसी भी कंडीशन में ऑन नहीं कर सकते, आपको जब तक बाहर से आप चेक नहीं करेंगे प्लांट, तो ये भी सेफ्टी डिवाइस के लिए है, क्योंकि कोई वर्क आपने किसी कोई वर्क तो नहीं कर रहा है, आप यहाँ ऑन कर रहे हैं, ये चीज़ जरूर ध्यान देखना होता है। और उसके बाद बात करें तो प्लांट को हमको रन करने के लिए पावर सप्लाई कितना चाहिए होता है, तो प्लांट जो है 415 वोल्ट से रन होता है, मिनिमम 415 वोल्ट चाहिए, मैक्सिमम 440 भी हो सकता है, तो इसके बीच में वोल्टेज रहना चाहिए, 400 प्लस तो रहना ही रहना चाहिए, 410-15 से नीचे प्लांट नहीं रन होगा। तो उससे क्या होगा, कम वोल्टेज में आपको प्रॉब्लम आएगा, मोटर ट्रिप हो जाएगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे। कुछ टॉपिक्स आपको दिए हैं जो कि क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसके अलावा भी कई ऐसे जगह हैं जो भी पॉइंट हैं जिसके आ सकते हैं। तो जो आप प्लांट पे काम करेंगे, जो भी एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे, तो ये चीज़ें आप यदि मेंटेनेंस करते हैं तो मेंटेनेंस वाली चीज़ें को आपको एक नोट बना के रखना है, और कब चेंज करते हैं, दूसरा कब लगाते हैं, तो उससे आपको हावर्स नोट करेंगे, क्वांटिटी नोट करेंगे, तो आपको ये एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इस चीज़ के लिए, और जो आपको लाइफ में आगे काफ़ी काम देगा। तो ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस आपने कर दिया उसको छोड़ दीजिए, उसको आप नोटिस कीजिए, कंपनी आपको नहीं कह रही नोटिस करने के लिए मत कहे, लेकिन आप पर्सनली आप उसको नोटिस कीजिए, जो कि आपको पर्सनल काफ़ी उससे हेल्प मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा ये दिया गया इन्फॉर्मेशन जो भी है इंटरव्यू के लिए और क्वेश्चंस जो आ सकते हैं तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।